SN Live सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN Live। चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि सिवान में बेकाबू कार ने महिला को कुचला, घटना स्थल पर हुई दर्दनाक मौत, कार लेकर फरार हुआ आरोपी ड्राइवर। सिवान में बेकाबू कार ने एक महिला को कुचल दिया, जिसके बाद महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद कार सवार गाड़ी लेकर फरार हो गया है। हालांकि हादसे के बाद अब तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पूरी घटना सराय ओपी थाना क्षेत्र के चाप ढाला के समीप की है। हादसे में महिला के चेहरे पर गंभीर जख्म के निशान है। घटना शनिवार की शाम करीब 5:30 की बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके बाद पीड़ित महिला को उठाकर आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची सराय ओपी थाने की पुलिस महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार करने में जुट गई है। महिला का उम्र करीब 35 साल बताया जा रहा है। महिला के पास से नहीं मिला कोई प्रमाण पत्र। घटना के बाद सराय ओपी थाने की पुलिस का कहना है कि महिला के पास से किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं मिला है, जिससे उसकी शनाख्त हो सके। मृतका नारंगी कलर की साड़ी पहनी हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि लोगों को घटना की जानकारी तब हुई जब राजगीर मौके से गुजर रहे थे। जी हाँ, जब राहगीर मौके से गुजर रहे थे, उस वक्त इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद लोगों ने एक महिला को सड़क के किनारे देखा, तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। घटना में स्थानीय लोगों का कहना है कि एक अनियंत्रित कार ने महिला को ठोकर मार दिया। घटना के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर।